मैं मनजीत कौर स्वागत कर रही हूँ सारा पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। मेरे वालों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप आमला जैली बना के तैयार करांगे ते ये जिहड़ी है बहुत ही वधिया बन के तैयार होगी। तुसीं इहनूं स्टोर करके भी रख सकते हो, जिदा हुण आमले का सीजन जिहड़ा शुरू हो गया है। आमला देखो जिहड़ा सानूं सारयां नूं पता कि गुणां दे नाल भरपूर आ, विटामिन सी की मात्रा जिहड़ी इहदे विच बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अखां की रोशनी दे लई, वालां दे लई, पेट दे लई ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो इनू जो असी रोज़ असी अपने जीवन दे विच रोज़ असी एक दो या दो आमले का असी सेवन करते हैं तो जिहड़ा सानू ये शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। ये जिहड़े आप आमले लए हैं, अद्धा किलो आमला लिया है तो ये देखो मैं धागे वाली मिश्री जिहड़ी है वह पानी है। तुसीं चाहो तो जिहड़ी खंड भी पा सकते हो। आमले आप लै ले आ, पानी गर्म होने लई रख दिता। पहला असी इन्हां नूं थोड़ा जिहा उबाल लेना है, उबाल के उस तो बाद असी मिक्सी दे विच पा के पीसना है तो इन्हां नूं उबाल के आप तैयार कर लैने। पानी जिहड़ा लग गया उबलन इन्हां नूं असी धो लिया, इन्हां नूं पा लांगे पानी। पांच सत मिनट वास्ते बस असी इन्हां नूं उबलन देना है। उबालन दे नाल थोड़े जे नरम हो जूगे तो एक रंग भी इन्हां दा जिहड़ा है थोड़ा जिहा हल्का हो जाता है। मिश्री देखो जिहड़ी है थोड़ी साडी वड्डे टुकड़िआं दे विच है, इहनूं असी तोड़ लैणा आ, तोड़ के इहनूं पीस लैंदे आ। देखो जदों आपां आमले उबालणे आ, उबालण तों बाद असी उहनां नूं पीसणा आ। पीस के उहनूं किसे वी कौली दे विच तुसीं नाप लैणा आ। जदों तुसीं नापोंगे जिन्ना तुहाडा आमले दा जिहड़ा पेस्ट होऊगा उह तों डबल जिहड़ी आ तुसीं मिश्री दा जिहड़ा पाउडर आ उह लैणा आ। मिश्री नूं आपां पीस के तैयार कर लैंदे आ। इहनूं 2 मिंट बाद ना हिला देणा आ, उपर थल्ले इदां कर देणा अगे सारे जिहड़े आ फिर आमले अपने एन नरम हो जाऊगे। आ देखो 2-3 मिनट आपां हले उबालिया है, रंग देखो इन्हां दा बदल गया। मिश्री जिहड़ी है तोड़ ली आपां। दो वारी करके आपां पीसांगे इहनूं। मिश्री देखो जिहड़ी साडी पीसी धागे वाली मिश्री जदों तुसीं इदां पीस के वरतदे हो तां इहनूं हुण इक वारी आपां छाण लैणा। छाण के फिर आपां इहदा इस्तेमाल करांगे। आमले देखो जिहड़े साडे हो गए आ। आ देखो इहदियां जिहड़ियां कलियां आ इदां खुल गईआं आ। इदां सानूं नरम आमला जिहड़ा चाहीदा आ इहनां नूं हुण असीं प्लेट 'च कट लैणा। जिहड़ा ये जिहदे विच आपां जिहड़ा हुण आमला उबालिया जिहड़ा ये पानी है, ये पानी जिहड़ा तुहानूं सिटण दी लोड़ नहीं, इहदे नाल तुसीं इहनूं तुसीं सिर धोण दे विच इस्तेमाल कर सकते हो। आमले नूं हुण आपां ठंडा कर लैणा है। ठंडा करके फिर इहदियां जिहड़ियां आपां कलियां खोल के इहनां नूं पीसांगे। औले साडे हो गए ठंडे, हुण असीं इहनां नूं थोड़े थोड़े हैगे आ विच गरम पर आपां इहदियां तां कलियां खोल लांगे फिर इह छेती ठंडे हो जाऊगे। देखो इन्हां नूं चंगी तरह ठंडे कर लेना है। जदों आपां इन्हां नूं थोड़ा छिलिया सी उदों गर्म सी, ठंडे करके फिर पीसना है। एकदम बरीक आपां पीस लेना है, कोई भी मोटा टुकड़ा जिहड़ा है इहदा औले दा विच नहीं आ होना चाहीदा। एक कौली तो देखो ज़्यादा जिहड़ा है इहदा आंवले दा जिहड़ा औले दा पेस्ट जिहड़ा निकलिया है। हुण जिहड़ी खंड आ असीं 2.5 कौलियां जिहड़ियां मिश्री पीसी हुई 2.5 कौलियां लवांगे ते हुण इहनूं आपां इक पतीले दे विच पा के तैयार करदे आं।
ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ढाई कौलियां जी अपना मिश्री पाती हूँ इन असं लगातार खिलाना है देखो थोड़ा थोड़ा अगे ना सख्त होना शुरू हो गया खिलाते रहना है इन्हें क्योंकि इस तरीके बना के बच्चों दे सकते हैं बच्चे भी फिर जो आमला खा सकते हैं उन्होंने जी अखा की जी रोशनी है वो बिल्कुल सही रहेगी निगाह उन्होंने सही रहेगी जो बच्चे पढ़ते हैं तो निगाह के उत्ते असर पैंता आमला जोड़ा है देखो उन्होंने आप किन्ने तरीके आमले का जूस हो गया आमले की कैंडी हो गई ऐदा ही आमले की जैली मुरब्बा किसी भी तरीके इनू खाओ पर खाओ जरूर आमले को सेक जिहड़ा ज्यादा नहीं तेज करना मीडियम रखना है सेक मीडियम सेक दे उत्ते हलांदे इहनू लगातार रहना है जिदा जिदा इन्हें देखो पकदा जाना है इहदे च थोड़ी थोड़ी चमक जिहड़ी आनी शुरू होण लग जांदी है एक चमचा भर के असी लैना कॉर्नफ्लावर थोड़ा जिहा इहदे विच पानी पा के इहनू मिला लेना है सत्त अठ मिनट तक असी मीडियम सेक ते इहनू पकाया देखो जो इस तरीके दे नाल इहदा रंग बदल जाए एकदम इहदे विच चमक आ जाए उदों तुसी जिहड़ा कॉर्नफ्लावर आ फिर तुसी इहनू मिलाना है हुण सेक जिहड़ा बिल्कुल घट कर लेना है घट सेक दे उत्ते इहनू पकाउणा है सत्त अठ मिनट तक देखो असीं इहनू पका लिया इहदा सख्त होना शुरू हो गया जे तुहानूं लगे कि कॉर्नफ्लावर होर पाउणा चाहीदा है तो तुसीं अपने हिसाब नाल उहनूं होर पा सकदे हो जिहड़ी भी प्लेट दे विच इहनू आपां जमाउणा है उहदे ते थोड़ा जिहा तेल जां घिओ ला लेना है हुण इहनू आपां इक प्लेट दे विच कढ लांगे ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੋ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ आमला जैली साड़ी बन के तैयार बहुत वधिया बन के तैयार हुई है तुसी इहनू किसी भी एयर टाइट डब्बे दे विच पा के फ्रिज दे विच एक महीने लिए स्टोर करके रख सकते हो इस तरीके दे नाल तुसी इहनू बनायो वीडियो पसंद आई वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करिया करो चैनल ते पहली बारी आके वीडियो देखदे पियो तां चैनल नू सबसक्राइब करके घंटी दा बटन जरूर दबा लिया करो उहदे नाल जिहड़ी भी असीं कोई नवीं वीडियो पावांगे उहदी नोटिफिकेशन तुहानू मिलेगी चैनल नाल जुड़ो चैनल नू सपोर्ट करो वीडियो देखण लई बहुत बहुत धन्यवाद।